केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में एक दलित प्रधान के पति की जलाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। प्रधान पति अर्जुन कुमार कल शाम से लापता थे। रात 11 बजे के करीब गांव के ही एक व्यक्ति के हाथे में वह बुरी तरह जली हुई अवस्था में ग्रामीणों को मिले। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें जलाकर मार डाला गया है। इस हत्या के बाद गांव में बुरी तरह से तनाव है। पुलिस ने कई थानों की पुलिस फोर्स यहां तैनात कर दी है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में नामजद किए गए 5 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त में एक अभियुक्त नाबालिग है, बाकी 2 की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लोकल चिकित्सा उपचार जहाँ CSC में ले जाकर कराया, वहाँ से वो सुल्तानपुर के लिए रेफर हुए। सुल्तानपुर से आज सुबह जब वो लखनऊ के लिए रेफर हुए तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने हमें आज उनके 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध, कृष्ण कुमार आदि 5 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध 302 के अंतर्गत तहरीर प्रदान की। तत्काल हमने टीमें रवाना करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष को भी हम यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। साक्ष्य संकलन करते हुए कठोर वैधानिक कार्रवाई की गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मरने से पहले अर्जुन ने गांव के 4 लोगों का नाम लिया था और बताया था कि उन्होंने ही उसको जिंदा जला दिया। इसकी लिखित तहरीर भी पीड़ित परिजन ने पुलिस को दी है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हाँ, उन्होंने बयान में नाम बताया, कृष्ण कुमार तिवारी, आशुतोष, राजेश मिश्र, रवि, संतोष, इन लोगों ने किया है। मेरी यार इनकी डेड बॉडी कहाँ मिली थी? इनकी नौगिरवा में मिली। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए जिलाधिकारी अरुण कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसान बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे की घोषणा की है और पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। लाभ योजना के अंतर्गत तथा किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत इसमें लाभ अनुमान है और उसके अंतर्गत जो पेपर तैयार करके उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। लगभग कितनी? 5 लाख की धनराशि है और इसमें अभी इसके अतिरिक्त जो अन्य योजना है उनका भी परीक्षण हम लोग कर रहे हैं। अभी अन्य योजना के अंदर भी परीक्षण कर रहे हैं। तत्काल अधिकारी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं और उसके अंतर्गत भी जो सहायता अनुमान होगी वो भी की। फिलहाल गाँव में तनाव के चलते पुलिस बल तैनात है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा करती है। अमेठी से 944 न्यूज के लिए अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।